हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास प्रेप ऑफ इंग्लिश। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। टेक आउट योर इंग्लिश बुक। हैव यू टेकन आउट योर बुक? नाउ ओपन लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7, यूज ऑफ दैट इज दोज आर। व्हाट यूज ऑफ दैट इज और दोज आर? लिसन, रिमेंबर यू हैव टू रीड अलाउड एंड यू हैव टू पुट योर फिंगर। ओके, दैट इज व्हाट? दैट इज यूज फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज फार। दैट इज़ क्या होता है? दैट इज़ का यूज़ सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमसे डिस्टेंस पर है, लेकिन क्या है वो? एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ओके, ओनली वन ऑब्जेक्ट है। सिंगुलर इट मीन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दैट इज़ का। ओके, नेक्स्ट दोस का जो यूज़ होता है इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट। प्लूरल ऑब्जेक्ट इट मीन्स मोर देन वन। यस, जो ऑब्जेक्ट्स जो है वन, हाँ, मोर देन वन, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। जो ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा हैं और क्या हैं? विच आर फार, जो डिस्टेंस पर है। दोनों कंडीशन में एक चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? डिस्टेंस पर है। दैट के लिए भी और दोस के लिए भी। लेकिन दैट किसके लिए यूज़ होना है? जो ऑब्जेक्ट सिंगल है, यानी वन ऑब्जेक्ट है। और प्लूरल किसके, ये दोस्त जो है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होना है। किसके लिए यूज़ होना है? प्लूरल ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट जो है मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए दोस यूज़ होना है। ओके, नाउ यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स। माई फ्रेंड, देर इज़ अ सिंगल पर्सन, सो That is my friend. Okay? Balloons. What? Balloons. Balloons, it means more than one. एक से ज़्यादा balloons है ना? Those are balloons. Nest. Only single nest is there. Single nest is. So for single object, that is a nest. Dogs. What? Dogs, more than one. एक से ज़्यादा dogs हैं। Those are cute dogs. What? Those are cute dogs. क्योंकि यहाँ more than one है, इसलिए those are used. Those are used here. Next, those are cute dogs. An elephant. Then, single elephant. That is an elephant. Monkeys, more than one. Those are monkeys. See, हाँ, learn and fun, write that is, those are. What you have to write? This, that is or those are. आपको क्या write करना है? That is or those are. Yes, remember, दोनों में condition क्या है? जो object है वो distance पर है, लेकिन हाँ, क्या है इम्पोर्टेंट कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट है, सो यू हैव टू यूज़ दैट इज़ और एंड देयर इज़ मोर देन वन। और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको क्या यूज़ करना है? दोस आर। ओके, अ ट्रेन। व्हाट? अ ट्रेन, दैट इज़ अ ट्रेन। ओके, सिंगल के लिए क्या करना है? दैट इज, सो दैट इज अ ट्रेन। आइसक्रीम्स, मोर देन वन। आइसक्रीम्स, दोज आर आइसक्रीम्स। बाइक, सिंगल बाइक इज देयर। व्हाट? सिंगल बाइक, सो दैट इज अ बाइक। हैंड्स, मोर देन वन, टू हैंड्स आर देयर, सो दोज आर हैंड्स। ग्रेप्स, इट मीन्स देर आर इन प्लूरल। यस, बहुत सारे ग्रेप्स हैं, इसलिए दोज आर ग्रेप्स। काइट्स, मोर देन वन, सो
those are kites. Apples. What? Apples. More than one. Those are apples. A temple. Only a single temple. Only one temple is there. So that is a temple. Okay. We have this exercise. We have read this lesson. You have to read this lesson twice or thrice. And you have to do this exercise. And if you are having any kind of problem in reading or doing these exercise, you can get help of your parents. Okay. Have a nice day, my children. Bye.